प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 42,606 स्वयं सहायता समूहों को CIF एवं RF धनराशि का 88.66 करोड़ रुपए की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 5 जिलों के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वर्चुअल संवाद किया तथा उनके कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में NRLM के डिप्टी कमिश्नर PD राम सिंह सहित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपए प्रति समूह तथा 2,606 समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड 1,10,000 रुपए प्रति समूह यानी प्रदेश में कुल 88.66 करोड़ रुपए की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया। इसके अलावा अनुपूरक पुष्टाहार एवं उत्पादन व आपूर्ति के सापेक्ष जनपद गोरखपुर के 1,236 समूहों को फंड मुहैया कराया गया, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह को फंड उपलब्ध कराया गया है, जिससे वे अपने रोजगार को बेहतर तरीके से संचालित करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परियोजना निदेशक राम सिंह ने कहा, मुख्य रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उन सबका इस वर्कशॉप में और इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। सर, महिलाओं का वर्कफोर्स में जुड़ने से जो आर्थिक रूप से किसी प्रदेश या देश के प्रोग्रेस को नापने में काम आती है, जैसे कि काम में आने से अभी जो नस्ल है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव होता है। सर, ये आपकी प्रेरणा से काम किया जा रहा है और इससे जुड़े हुए महिला सदस्यों के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके बारे में वो सीधा आपसे रूबरू होंगे। अपनी जो भी उपलब्धि हमारे ग्रामीण विकास विभाग के सेगमेंट की है, ये सदैव से आपका आशीर्वाद मिला, कृपा मिली, आपका मार्गदर्शन मिला और महिलाओं के प्रति जो आप शासन की इच्छा के अनुरूप बेहतर प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी है। और मुझे लगता है जो आपकी इच्छा रहती है, जैसा आपके नेतृत्व में जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, इस विभाग के मंत्री के रूप में और आपके आशीर्वाद से, आपके चरण की कृपा से, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारे अपर मुख्य सचिव, हमारे नए प्रदेश भर के जो सहयोग करने वाले साथी हैं, इन सब के अथक परिश्रम से मुझे लगता है कि कुछ जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वह आपकी अपेक्षा के अनुसार अपने परिवार, अपने समाज और नारी समाज की आर्थिक उन्नयन में योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लगातार प्रगति करते हुए ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न रोजगार उपलब्ध कर रहा है। सुनिश्चित कराने के उपरांत समूह से जुड़ी महिलाओं को सोलर उत्पाद उत्पादन इकाइयों की स्थापना के द्वारा सोलर लैंप बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। देश के दूर दराज के ग्रामों को ब्लॉक मुख्यालय और कस्बों से जोड़ने हेतु क्रियान्वित की जा रही है। वर्तमान में मिशन द्वारा वितरित कुल 268 वाहनों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में समूहों की महिलाओं के माध्यम से दो जनपदों फतेहपुर विकास खंड अलवा तथा गुरुपुरा विकास खंड मेघापुर में समूह की महिलाओं द्वारा 247 मीट्रिक टन पुष्टाहार उत्पादन कर 739 आंगनबाड़ी खेतों में वितरित किया जा चुका है। प्रदेश में 58,000 ऐसी सखी की पद स्थापना की जा रही है। पंचायती राज विभाग से अफसरों के माध्यम से ग्राम स्तर पर कुल 760 विकास खंडों में 33,857 ग्राम पंचायतों की सामुदायिक शौचालय के प्रबंध समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान, बेसिक शिक्षा, कस्तूरबा विद्यालय आदि स्कूलों की यूनिफॉर्म की सिलाई यानी ड्रेस मेकिंग कार्य से SHG की महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021
आपका जागृति महिला लघु से आते हैं।
कैसे सब आसपास कितने लोग सभी हैं इस लोग हैं ठीक है इसका लेखा जोखा कैसे रखते हैं आप कितना का आपने सामान खरीदा है कितना खर्च हुआ है कितनी बचत हुई है कोई व्यक्ति है कोई चयनित व्यक्ति है उसके साथ जुड़ा हुआ ठीक है बहुत सुंदर अच्छा काम कर रहे हैं बधाई आपको क्या कार्यक्रम करा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आपको पूरे प्रदेश के लोग सुन रहे हैं क्वालिटी का ध्यान कैसे रखा जाता है सर हम लोग जो एनएपीएल प्रयोगशाला जो बनाते हैं पहले सर उसे एक एक निकाल के जैसे 10 रुपया उसे एक निकाल लेते हैं हर जैसे एक निकालते हैं फिर उसे निकाल के हम प्रयोगशाला में लेंगे जांच के लिए भेजते हैं जब वो हमारा पास हो जाता है उसके बाद कितने दिन में प्रयोगशाला से रिपोर्ट आ जाती है सर 3 दिन में मिल जाती है कोई दिक्कत तो नहीं होती बाकी लेखा जोखा ठीक रखते हैं कितने का आप सामान आए हैं कितना आपने सप्लाई किया है कितना लाभांश हुआ है हैं बहुत अच्छा काम कर लिया अभिनंदन आपको प्रेम सहायता समूह को धनराशि वितरण और आज के इस संवाद के कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ लखनऊ में उपस्थित प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोदी सिंह जी कृषि उत्पादन आयुक्त श्यामोक सिन्हा जी अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव महिला कल्याण कंट्री डायरेक्टर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जनपद स्तर पर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण महिला स्वयं सेवी समूह से जुड़ी हुई सभी बहनें मैं सर्वप्रथम ग्राम्य विकास विभाग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे इस सार्थक प्रयास के लिए हृदय से बधाई देता हूं जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के अंदर एक बड़ी संख्या में महिला स्वयंसेवी समूह का गठन के साथ ही उन्हें रिवॉल्विंग फंड समय पर देना और उन्हें विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ने का जो एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्षों के दौरान हुआ है आज उसके कुछ अच्छे सार्थक परिणाम भी हम सब के सामने देखने को मिल रहे हैं आज का ये कार्यक्रम ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए कुछ समूहों को ऑनलाइन धनराशि वितरण का ही एक कार्यक्रम है जिसमें 15,000 रुपये प्रति समूह की दर से 40,000 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड 1,10,000 प्रति समूह की दर से 2,606 स्वयं सहायता समूह को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की धनराशि आज ऑनलाइन हस्तांतरित की गई है यानी इस प्रकार 42,606 स्वयं सहायता समूहों को 88,66,00,000 रुपये की कुल धनराशि का हस्तांतरण आज यहां पर संपन्न हुआ है इसके साथ ही एक जो बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर
संपन्न हुआ है वह है जनपूरक पुष्टाहार के उत्पादन एवं आपूर्ति के क्रम में जनपद फतेहपुर टाउनाओं के स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा प्रति इकाई 45,60,000 रुपये का चेक भी यहाँ पर अभी प्रदान किया गया है। यहाँ पर मैं उन सभी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई बहनों को हृदय से बधाई देता हूँ, उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूँ और उनके आगामी कार्यक्रमों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की उपलब्ध कराने में अत्यंत ही सहायक सिद्ध होगा। इससे न केवल महिलाएं अपने अपने स्वरोजगार की स्थापना कर सकेंगी बल्कि उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में भी इससे काफी मदद मिलेगी। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बात पर विशेष जोर रहा है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन परिवारों की महिलाओं को समूह बनाकर के संगठित करना, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर जोर दिया है। पिछले 1.5 वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना कालखंड के दौरान आजीविका मिशन के समूहों से जुड़े हुए सदस्यों ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों के सभी 826 विकास खंडों में अपनी उपस्थिति का आभास कराया है। प्रदेश सरकार के विशेष प्रयासों से आजीविका मिशन से जुड़ी हुई 4,80,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 52,00,000 परिवारों को जोड़ा गया है। योजना आरंभ से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया के अंतर्गत 3,10,832 से अधिक समूहों को 15,000 रुपये प्रति समूह की दर से 466.24 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड तथा 1,10,000 रुपये प्रति समूह की दर से 1,86,015 स्वयं सहायता समूह को 2,046.16 करोड़ रुपये की सामुदायिक निवेश निधि भी प्रदान की गई है। बैंक क्रेडिट लिंकेज हेतु 1,26,709 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं से जोड़कर 1,267 करोड़ रुपये की धनराशि अनुदानित ब्याज पर भी उपलब्ध कराई गई है। आजीविका मिशन से जुड़ी प्रदेश की 67,000 महिलाओं से 1,55,000 स्कूल ड्रेस की सिलाई कराई गई जिसमें 100 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित हुआ। ड्रेस सिलाई से प्रति महिला 6,000 रुपये की मासिक आय का सृजन हुआ है। टेक होम राशन परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 43 जनपदों के 204 विकास खंडों में स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों की स्थापना कर पुष्टाहार तैयार कर आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। और इसी क्रम में आज फतेहपुर के विकास खंड मलवा तथा जनपद उन्नाव के विकास खंड बीघापुर में पुष्टाहार इकाई स्थापित कर टेक होम राशन का उत्पादन आरंभ भी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त विकास खंडों में 63,000 समूहों द्वारा दाई राशन यथा गेहूँ चावल चना एडेबल ऑयल का उठान एवं पैकिंग कर 1,64,00,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न वर्गों बच्चों गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं अतिकुपोषित बच्चों और किशोरी बालिकाओं के 1,47,00,000 लाभार्थियों को इसका वितरण किया जा रहा है।
इसी प्रकार 2,966 उत्पादक समूहों के माध्यम से 45,824 महिला किसानों को साग सब्जी फल खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन के कार्य से जोड़कर आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 33,654 सामुदायिक शौचालयों का भी वर्तमान में प्रदेश में संचालन किया जा रहा है। समूह द्वारा 29,00,000 सोलर लैंप का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 7 करोड़ रुपए की आय हो चुकी है। प्रति महिला औसतन 5,000 से 7,000 रुपए की मासिक आय का सृजन भी इसके माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में 705 से ज्यादा प्रेरणा कैंटीन का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। कैंटीन के संचालन से प्रति महिला औसतन 6,000 रुपए की मासिक आय सृजित हो रही है। प्रदेश में उचित दर की 1,488 दुकानें स्वयं सहायता समूह को आवंटित की गई हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध मूल्य श्रृंखला में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है। अब तक 5 जनपदों के 601 ग्रामों में इस कंपनी के 24,180 शेयर होल्डर्स हैं। अभी तक 80,53,00,000 रुपए का भुगतान महिला दुग्ध उत्पादकों को किया गया है। कंपनी द्वारा 6,04,00,000 रुपए का लाभांश भी अर्जित किया गया है। राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जिससे बल्ली की तर्ज पर अन्य जनपदों में भी प्रोड्यूसर कंपनियों को बनाया जाना हमारा प्रस्तावित है, जिसमें एक समूह है गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर यानी गोरखपुर कमिश्नरी का, दूसरा रायबरेली, सुल्तानपुर, रमठी, तीसरा है बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और रामपुर का। पूर्वांचल के 5 जनपद क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया एवं गाजीपुर के लिए बल्ली की तर्ज पर प्रोड्यूसर कंपनी गठित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 43 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत कर दी गई है। जनपद झांसी का महोबा में दलहन व मूंगफली मूल्य श्रृंखला हेतु झलकारी बाई महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है। इसके माध्यम से 17,406 महिला किसान लाभान्वित होंगी। इस परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 16 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में धान, गेहूं एवं मेथा की मूल्य श्रृंखला हेतु बदायूनी महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है, जिसमें 14,275 महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 18 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। जरी दर्दोजी हस्तशिल्प के लिए जनपद बदायूं में महिला कारीगरों के विकास के लिए हस्तशिल्प उत्पादन कंपनी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हस्तशिल्प कारीगरों को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करते हुए बाजार से जुड़ने में मदद मिलेगी, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। प्रदेश की 56,875 ग्राम पंचायतों हेतु डीसी सखी को चयनित किया गया है। आरसीटी एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के माध्यम से अभी तक 24,031 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया जा चुका है। इनमें से 2,316 डीसी सखियों ने ग्राम पंचायतों में कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से 2,45,185 महिलाओं एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 5,66,021 महिलाओं को जोड़ा गया है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल 268 वाहनों का संचालन किया जा रहा है। उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किए जाने पर भारत सरकार द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। इस योजना से प्रति महिला वाहन मालिक को औसतन 7,000 से
9000 रुपए की मासिक धनराशि का सृजन किया गया है। कोरोना महामारी से जागरूकता एवं बचाव कार्य के लिए 2020-21 में खादी विभाग से कपड़े की आपूर्ति के माध्यम से 20,396 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा 1,23,00,000 मास्क, 1,223 सदस्यों द्वारा 50,714 पीपी किट का भी निर्माण किया गया है। वर्तमान में कुल 3,319 महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों द्वारा बिजली बिल कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। अब तक 28 करोड़ रुपए का बिल कलेक्शन करते हुए महिलाओं द्वारा 52,00,000 रुपए की धनराशि भी अर्जित की गई है। और मैं चाहूंगा कि पावर कॉर्पोरेशन इस पर ध्यान दें, जो भी इससे जुड़ी भी महिला स्वयं सेवी समूह की जो सदस्यगण है, अगर हम प्रदेश के अंदर अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्युत बिल कनेक्शन की जो स्थिति है मात्र 30% है, अगर हम इसे 90-95% तक पहुंचाना है तो महिला स्वयं सेवी समूह के दायरे को हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इससे दोनों को लाभ होगा, पावर कॉर्पोरेशन को भी लाभ होगा और महिला स्वयं सेवी समूह भी आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगी। जो अभी एक समूह ने अपनी जो बातें यहाँ पर रखी है उनकी बातों को ध्यान देकर इसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे विश्वास है प्रदेश सरकार के द्वारा जो एक प्रयास प्रारंभ हुए हैं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा जो एक अच्छे और सराहनीय प्रयास प्रारंभ किए गए हैं इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे और महिला स्वावलंबन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सबको मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से जिन 42,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह को आज यहाँ पर रिवॉल्विंग फंड आदि उपलब्ध कराया गया है उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। महिलाओं के समूहों को चूँकि रिवॉल्विंग फंड हमारे यहाँ नहीं मिला था अभी तक जो है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से ही पूरा बटन दबाया है। हमारे यहाँ 1,236 ग्रुप लाभान्वित हुए हैं आज जो है रिवॉल्विंग फंड में, और प्रत्येक समूह को जो है 15,000 रुपये दिया गया है। और इसी तरह 598 जो है CIF एक फंड होता है उसमें जो है 1,10,000 जो है को जाता है, तो उसमें ये दिया गया, पैसा दिया गया। सर कितना लाभ मिलेगा इससे, धनराशि मिलेगा? हाँ, इससे ये लाभ मिलेगा जो है 15,000 रुपये जो जिनको दिया गया है वो इस मतलब एक तरह से रिवॉल्विंग फंड है जो उससे जो है ये अपना जो बचत किए होंगे और इसी ये पैसा मिलेगा, तो इससे जो है वो कोई ना कोई अपना कार्य जो है कर सकेंगी और वो कोई ना कोई जो है उनकी आमदनी बढ़ेगी। और जो 598 समूहों को जो हमारा ये CIF दिया गया है 1,10,000 हिसाब से, तो ये एक उसके लिए बहुत बड़ा फंड है और इसमें जो कार्य जो कर रही होंगी उसको और बेहतर बनाने के लिए है और अच्छा बनाने के लिए जो है, जैसे हमारे यहाँ कुछ महिलाएं जो है विभिन्न उसमें ट्रेड में हैं, जैसे कुछ लोग साग सब्जी दुकान किए हैं, कुछ लोग जो है कोई अपना इलेक्ट्रिकल भी दुकान में काम मतलब जो है अपना खोले भी है, तो इनमें जो भी जो आगे काम करेंगे इससे जो है उनका मिलेगा जो है इनको सहायता मिलेगी। और जैसे कि जो है आपने देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंटरव्यू ले रहे मतलब जैसे बातचीत हो रही थी महिलाओं को, तो बहुत सी महिलाओं ने अपना और भी जो है सोशल प्रोग्राम कर रखा है, जैसे हमारे यहाँ ही जो है 26 समूह ऐसे हैं 26 गांव में जिनको जो है ये उसी विक्रेता की दुकानें होती राशन दुकान होती हैं उस उन्होंने उसके उसमें काम करके जो है एक तरह से लोगों का को भी लाभ पहुँचाने का काम किया है, जन जन तक जो है उसका राशन पहुँचेगा और इनको भी जो है जो भी कमीशन मिलता होगा इनका भी जो है समूह का लाभ होगा और प्रति महिला जो है एक आमदनी बढ़ेगी, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी ग्रामीण क्षेत्र। हाँ जी हाँ, और इस और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कुछ महिलाओं ने जो है वहाँ दिखा मतलब जो है हमारे ही महिलाएं वैसी हैं कि टेराकोटा में काम कर रही हैं, कुछ महिलाएं जो है ऐसी काम कर रही हैं जैसे ये घर घर जो बिजली जो हर गांव बिजली जा रही है
और इनके बिल जो है जो जहाँ जमा होता है केंद्र में वो वहाँ से काफ़ी दूर है, तो उनको आने जाने का टेम्पो किराया टैक्सी किराया वो बच जाएगा, एक आदमी गया पूरे कलेक्ट किया और पूरा कलेक्ट करके जो है वहाँ जमा कराया, तो इससे भी काफ़ी सुविधा इनकी आमदनी बढ़ जाएगी। एक प्रति व्यक्ति बिल पे जो है मान लीजिए 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये जो भी मिलता होगा उससे जो है प्रति समूह की आमदनी बढ़ेगी।